और मेरे YouTube चैनल ए टू जरकरियस जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आऊँ 50 इंपॉर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन, पर्यावरण के MCQs। 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये वो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आंसर सहित मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ। टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, एनवायरमेंट क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है उसे पर्यावरण बोलते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना चला हुआ है और पर्यावरण पे इसका बड़ा प्रभाव है। अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट भी किया था कि मक्खी से भी कोरोना फैल सकता था। पर्यावरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है एरिया के हिसाब से। पौधे अपनी खाद निर्माण प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं और बदले में जीवधारियों को कौन सी गैस मुक्त करके देते हैं जो जीवधारी सांस लेने में यूज़ करते हैं? पौधे नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ये सभी पौधों की प्रक्रिया होती है। एक मैंने आपको बताया था पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है, इसे हम पूज्य भी मानते हैं। हिंदू धर्म माइथोलॉजी में इसे पूज्य कहा जाता था और पीपल का पेड़ लग जाए तो उसे काटा नहीं जाता था। उसका रीज़न ये था कि ये रोज़ाना दिन में भी CO2 लेते हैं और रात को भी CO2 लेते हैं और हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। बाकी पौधे दिन में CO2 लेते हैं और रात को ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसीलिए पीपल के पेड़ को बड़ा पूजनीय माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड कौन सा प्रदूषण करती हैं? ये सारी कैसे वायु प्रदूषण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों कैसे मोटर व्हीकल के प्रदूषण से सबसे ज़्यादा निकलती हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, जो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ गया था, तो आप उससे घबराएं नहीं। इससे क्या होता है कि रिपीटिशन होता है, आपको पता लगता है कि पिछली वीडियो में हमने उस क्वेश्चन को तैयार किया था या नहीं किया था। पैराऑक्सिल एसिटेल नाइट्रेट, पैन क्या होता है? ये एक वायु प्रदूषक है। पैन, पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर नागपुर महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। और आज का क्वेश्चन भी मैं आपसे यहीं पूछ रहा हूँ। बहुत से बच्चे आंसर देते हैं और मैं उनका कमेंट में वापस लिख के बोलता हूँ कि हाँ, उन्होंने आंसर सही दिया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर पाऊँ तो हमारी वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद एक हैट डेडिकेट करें जो आपने 400-500 मिनट वीडियो देख के कमाया। यह हैट डेडिकेट करने से आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा आज का सवाल है, जिसका कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख के बताएं, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, ये कितने प्रतिशत वायुमंडल में पाई जाती है? इसकी परसेंटेज आपको बतानी है नाइट्रोजन गैस की। अगला सवाल है, आकाश के नीले दिखने का कारण क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो गैस आती है वो CO2 के प्रभाव के कारण वापस वातावरण में नहीं जा पाती, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस। सफेदा का जो पेड़ होता है उसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। कहा जाता है कि ये धरती से पानी को सोख लेता है, लेकिन इसमें एक अभी ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशल रिसर्च भी हुआ था जिसमें कहा गया यूकेलिप्टस का पेड़ धरती से धातुओं को सोख लेता है और इसकी पत्तियों पर गोल्ड देखा गया ऑस्ट्रेलिया में। ये भी याद रखेगा, यूकेलिप्टस के पेड़ की पत्तियों पर गोल्ड देखा गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस उस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, जिससे तापमान बढ़ता चला जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33% पर वन होना चाहिए। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक एनवायरमेंट योजना, पर्यावरण योजना है,
जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई जाती है, और इसका प्रभाव यही है पर्यावरण को अच्छी तरह से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, किसने चलाया था और किस लिए चलाया गया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड से चलाया था, वनों की सुरक्षा के लिए से चलाया गया था, जिसमें गांव वाले लोग पेड़ों को काटने नहीं देते थे और उनसे जाके चिपक जाते थे। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट पहली बार 1980 में बनाया गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस फोटोकॉपी मशीन से निकलती है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। यह विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है पांडा, जो कि चाइना में पाया जाता है, एक सफ़ेद और काले रंग का भालू टाइप होता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी को फादर ऑफ फॉरेस्ट फेस्टिवल, वन महोत्सव का फादर बोला जाता है KM मुंशी को। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? फल का, ये खजूर है, ये सबसे प्राचीनतम पेड़ है जो फल देता है। ज़्यादातर खजूर के पेड़ आपको सऊदी अरब में मिलते हैं। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव सफोकेशन बोला जाता है। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो कहते हैं कोरोना से आदमी सांस नहीं ले पाता और सफोकेट होके उसकी डेथ तक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में। ये जलवायु परिवर्तन की कौन कौन सी गैस है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एक और क्वेश्चन आज आपके लिए बनाया है मैंने, जलवायु परिवर्तन में जो गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस डालती है, जिसमें से एक CO2 है, इसके अलावा कौन सी गैस है, कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ उसे ज़रूर आंसर क्या करें, इससे हमें पता लगता है आप कितने अच्छी तरह से हमारे क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं। सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ओजोन अक्षयकारी गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन का और कार्बन का एक संयुक्त रूप है, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेकैन डिस्पेंसर, वातानुकूलित यानी AC, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, इन सब में CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के स्प्रे आते हैं उनमें भी CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और इससे वाटर लेवल बढ़ जाएगा और कई शहर डूबने की कगार पे आ जाएंगे, और सबसे पहला शहर है थाईलैंड का जो पानी में डूब जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण 2030 तक। इस शहर का नाम बताना है, थाईलैंड का कौन सा शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदर लाल बहुगुणा को, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था उन्हें वृक्षों का आदमी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, केरल की साइड। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत में कहाँ स्थित है? लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में अवेलेबल है पानी में, H2O, पानी का फार्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन लेयर को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। और ये चौथा क्वेश्चन आज आपका मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है? 5 लेयर होती है हमारे वायुमंडल के एटमोसफियर की, उसकी वीडियो मैं दे चुका हूँ, तो फटाफट इसका आंसर लिख भेजिए। अगर आपने कॉन्टेंटली मेरी वीडियो देखी है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है?
विलुप्त की संकट से ग्रस्त जीवों से है, रेड डाटा बुक बोला जाता है, और ये सिंगापुर से प्रकाशित होती है, रेड डाटा बुक भी से बोलते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, ये आप सभी जानते हैं, ये कौन सा है, जिस शहर से मैं बोल रहा हूँ ये विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है, आप बताइए मैं कौन सी सिटी से बोल रहा हूँ। और आपने देखा भी होगा अखबारों में रोजाना आता है कि विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है ये, ठीक है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है, विस्कोसिन में स्थित है। सीएनजी जो कि आजकल गाड़ियों में भरी जाती है, सीएनजी वाली गैस आती है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल का माना जाता है, 65 डेसिबल तक को या इससे ऊपर के प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं, अम्लीय वर्षा, क्योंकि ताजमहल के आसपास लेदर के बहुत सारे कारखाने थे और उससे एक अम्लीय वर्षा होती थी जिससे उसका क्षरण होने लगा। फिर एक मड पैक लगाया गया, कीचड़ का पैक ताजमहल पर, उससे इसका रंग दोबारा से वाइट हो गया। अब अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको ये वाइट कलर का दिखाई देगा, और पिछले 400 सालों में पहली बार ताजमहल का रंग मड पैक लगा के वाइट किया गया। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित हैं, बाह्य वायुमंडल में मानव द्वारा निर्मित उपग्रह स्थापित है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी वाणिकी अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून की कैपिटल, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में स्थित है, और उत्तराखंड ने एक और अपनी ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाई है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। ये आज आपका 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में पूछ चुका हूं मैं आपको, और फटाफट आपको इनका आंसर देना। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, ये अभी अभी गया है हाल ही में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन एक एक क्वेश्चन को लिख लें, एक डायरी बना लें। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए बैठें तो एक डायरी लें। डायरी क्यों कहता हूँ मैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बच्चों का कमेंट आया था सर आप डायरी बोलते हैं, कॉपी या रजिस्टर क्यों नहीं बोलते। ना तो मैं आपको कहता हूँ कॉपी लें, ना कहता हूँ रजिस्टर लें। डायरी क्या होता है कि आपके घर में रखी है तो डायरी कोई फेंकेगा नहीं, क्योंकि कॉपी पेन तो क्या होगा, कॉपी या रजिस्टर को अगर भर गया तो मम्मी कहेगी ये तो बेकार सा रजिस्टर दिख रहा है, उसे उठा के फेंक देती है। और डायरी कहीं रखी है तो वो ऐसा लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कोई नहीं फेंकता। तो अपने नोट्स जब भी बनाएं डायरी में बनाया करें, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का नोट्स की बात करो, अगर आप कोई रफ कार्य कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं, रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर पे और कॉपी पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेन मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं तो वो आप डायरी पे बनाया करें। और डायरी हमेशा काम आती है, मेरे पास आज से 25 साल पुरानी डायरी भी रखी है जिसमें मैंने कभी अपने नोट्स बनाए थे। ये हमारे सर थे भंडारी सर, मैं आपको बता दूं मेरे गुरु हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जो आज हम आपको दे पा रहे हैं। भंडारी सर देहरादून में पढ़ाते हैं आज भी, मेरी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, और एक बार वो KBC में भी आए थे। तो भंडारी सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई, वही चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। तो डायरी अगर आप लेंगे, डायरी में एक एक क्वेश्चन लिखते जाएं, पॉज करें वीडियो को, जैसे ही आप पॉज करेंगे, पॉज का बटन होता है, आराम से उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। हर क्वेश्चन को लिखने की आदत डालें। ज़्यादातर मैंने देखा ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख ली और ख़त्म, बस यही उनका डिफ़ॉल्ट होता है कि बस अब ये ख़त्म है। वो अपने आप को होशियार समझने लगते हैं कि मैंने 50 क्वेश्चन देख लिए और मुझे याद हो गए। मैं हमेशा हर बार टोकता हूँ, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसा क्या करें, क्योंकि डायरी में नोट्स बनाया करें। जब भी कोई वीडियो देखें, वीडियो देखने में केवल आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में आपको इसी वीडियो के 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें कि आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी वीडियो एक बार आपने कभी चलाई उसके 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएं,
कभी भी आपको दोबारा उन क्वेश्चन को उठाना ना पड़े। और ये आजकल के बच्चे नहीं करते हैं और अपने आप को बस यही समझते हैं, पबजी गेम खेलते रहते हैं, बस हमने तो कर दिया, एक बार में अचीव कर दिया। तो इसी बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी पेशेंटली। और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको आज ये बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वीडियो का एंड का पार्ट, मेरे हिसाब से बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन कोई भी टीचर आपको इस तरह की बात नहीं बताएगा, क्योंकि टीचर डरते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, मेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, वीडियो देखना बंद भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बातें मैं आपको बता दूंगा वो बहुत काम आने वाली हैं। एक एक बात नोट कर लीजिए। चलिए, लगे हाथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। यूट्यूब का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में खोलिए और सर्च बॉक्स में डालिए A2Z Careers, A2ZCARERS। ए टू जेड करियर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपके मतलब की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश की जीके, हिंदी व्याकरण, जीके ट्रिक्स, जो आपको चाहिए, यूपी कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर तैयार करते तो इंग्लिश ग्रामर का भी आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। अभी एक मेरे दोस्त हैं अमित कंसल, उनका बेटा 7th में अभी एग्ज़ाम दे रहा था आर्मी स्कूल्स के, और उसने मुझे कॉल किया और उसने पूछा कि ताऊ जी आपकी वीडियो कौन सी है, मुझे नहीं मिल पाई। जबकि मेरे दो बच्चे हैं वो इतने नालायक हैं कि वो नहीं पढ़ेंगे, दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी का सेक्शन दिया है, अगर आप 5-5 वर्ड रोज़ाना याद कर लें, इसमें मैंने बड़ी मेहनत के साथ 60 वीडियो दी हैं, तो आप 100% इंग्लिश में कभी मात नहीं खाएंगे। इंग्लिश आजकल देखिए, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन इंग्लिश भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर इंग्लिश की वोकेबलरी आपकी अच्छी हो जाती है तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। यू शुड नो ऑल द स्पेलिंग्स। मैंने आपको बताया 5-5 का सेशन, हर वीडियो में 5-5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम याद करने के लिए मैंने बताया, उन्हें याद कर रख रहे। अभी मैंने आपको 11 प्रोफाइल दिए हैं, तो मैं आपको आगे भी दूंगा और 5-5 के मिक्स करके मैं आपको देने वाला हूँ। यानी जैसे 5 idioms, 5 phrases, 5 one word, 11 तक मैं आपको दे चुका हूँ, 12वीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2018 में मैंने स्टार्ट किया, तब ये दिए थे, अभी 2 साल लगभग 1.5 साल हो गया, उसके बाद मैंने वर्ड पावर की कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वर्ड पावर की वीडियो भी मैं जल्दी आपके लिए बना दूंगा। तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए, 4000 एसेंशियल इंग्लिश वर्ड के नाम से आपको ये फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुबह ठीक 8 बजे मेरी वीडियो आपके मोबाइल ऐप में पहुंच जाती है, यूट्यूब में, और बेल वाला आइकन, यहाँ पे एक बेल बनी होती है, उस आइकन को दबा दें, घंटी बज जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोडेड होगी। और कोरोना वायरस के बारे में मैंने 2 वीडियो डाली हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, और एक वीडियो मैंने बहुत अच्छी डाली है, उसे ज़रूर देखें, यह ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस। ये वीडियो मैंने कॉमिक फॉर्म में बनाई है, WHO ने कॉमिक दिया था, कॉमिक्स जैसे बच्चों का कॉमिक्स होता है, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, घर में जो हैं बड़ों को भी दिखाएं। उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उसमें वायु एक सुपर हीरो होता है, और वायु सुपर हीरो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, ये वायु सुपर हीरो है और वो बच्चों को डिस्कशन करता है। तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये WHO ने डेवलप की है, अब देखिए हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, WHO के कुछ साइंटिस्टों ने इस वीडियो को डेवलप किया, तो उसे मैंने वीडियो फॉर्म दे दिया कॉमिक को, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9837282318, यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर दैट। और ये मेरा टेट का सीरीज है, जिसमें मध्य प्रदेश टेट को मैंने टारगेट करते हुए मध्य प्रदेश से संबंधित जीके भी स्टार्ट किया हुआ, और बीच बीच में मैं आपको टेट से संबंधित पर्यावरण और चाइल्ड पेडागोगी वगैरह के क्वेश्चंस भी देता जा रहा हूँ। तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, विल मीट टुमारो विद ए न्यू वीडियो टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू।